नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में ऐसे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फीस लगती है और एफिडेविट को कैसे बनवाना है, एफिडेविट का फॉर्मेट कैसा है। तो देखिए, फार्मेसी में डिप्लोमा या फिर डिग्री कम्प्लीट करने के बाद तब तक आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाते हैं जब तक कि आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जो है वो अवश्य कर दें। चलिए, तो देखिए, जब अगर आप उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो जो आपका पहला डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपका लगने वाला है हाई स्कूल की मार्कशीट। ठीक है, तो ये आपका लग जाएगा। जो आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो आपका लगेगा इंटरमीडिएट की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पर थर्ड डॉक्यूमेंट है वो लगेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर की मार्कशीट, जो कि आपको आपके बोर्ड की तरफ से देखने को मिलती है। और अगर आपकी बैक लगी है तो बैक वाली जो है मार्कशीट वो भी लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट की मदद से भी जो है वो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो यहाँ पे अगला डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका लगने वाला है आपका आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपका लगने वाला है हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के केस में आपको 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद एक आपको यहाँ पर 100 रुपए की स्टाम्प पेपर पे आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट भी जो है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपका फोटो और आपका मोबाइल नंबर लगेगा और आपका ईमेल आईडी लगेगा। और एक बात और, अगर आपने अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से पास किया है तो आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, तो ये सभी जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे पता चल गई। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आप एफिडेविट कैसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपका यहाँ पर एफिडेविट होने वाला है आप इसको तहसील से कचहरी से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो है वो आपका यहाँ पर एफिडेविट होने वाला है और आप इसको टाइप करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया शपथी, इसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर एड्रेस आने वाला है, इसमें आपका मकान संख्या हो गया, ग्राम मोहल्ला हो गया, आपका यहाँ पर पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन यानी कि थाना आ जाएगा और जनपद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया कि बहलफ बयान करता हूँ कि यह कि मैंने वर्ष, तो अगर आपने 2023 में अगर आपने अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर 2023 लिख देंगे और डी फार्मा कॉलेज, यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया कि यह कि मैंने डी फार्मा पाठ्यक्रम करने के उपरांत 3 माह का अप्रेंटिस दिना, तो आपने जिस डेट को आपने अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्टार्ट किया और जब आपका यहां पर 90 दिन कंप्लीट हुआ उसकी डेट। ठीक है, तो ये आपको आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है उस पर जो है आपको दोनों डेट जो है वो आपको लिखी हुई मिल जाएगी और यहां पे आपका हो जाएगा हॉस्पिटल का एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, कि जहां से आपने जो है अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया हुआ है तो उस हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह कि मेरे द्वारा जो भी प्रमाण पत्र संलग्न किए जा रहे हैं वह मेरे द्वारा स्वप्रमाणित हैं जो कि पूर्णतः सत्य एवं सही है। यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की संदिग्धता संज्ञान में आने की स्थिति में तात्कालिक प्रभाव से मेरा पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के लिए काउंसिल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार उत्तरदायी होऊंगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनवा लेना है और इसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर पीछे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया स्थान, दिनांक और शपथी के हस्ताक्षर, तो आप यहाँ पे अपना ठीक है साइन बना देंगे। उसके बाद सत्यापन लिखा गया है, उपरोक्त शपथ पत्र की लगायत 1 से 4 तक पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, स्थान दिनांक और शपथी के हस्ताक्षर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना जो है वो आपको यहां पर सिग्नेचर बना देना है। तो कुछ इस तरह का जो है वो आपको यहां पर एफिडेविट बनवाना है, ठीक है, तहसील से या फिर कचहरी से। और देखिए, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है वो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके द्वारा 1000 से भी अधिक जो है वो फार्मासिस्ट का उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है वो संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में जो है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो लगती है टोटल 1829 रुपये। और अगर आप यहाँ पे इस वाले मैसेज पे ठीक है
आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको जो है 300 रुपये जो है वो आपको और यहाँ पर सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो टोटल जो है 2129 रुपये में जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में कराना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। तो आपको ये वीडियो किसी लगी आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं फ्रेंड्स हैं जिन्होंने की आपके साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट किया है और अपना रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में कराना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।